हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एमपीजॉन पे दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्व क्लास ट्वेल्व फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है ना दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बीस ऑब्जेक्टिव है बीस ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ज़रूरी है बीस में से आपको लगभग इसमें से दस बारह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हंड्रेड बोर्ड में पूछेगा ठीक है ना तो यही कहेंगे आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आप आप जो हैं लास है लास्ट तक देखिए और आप ये जज कीजिए अपने आप में कि आपको बीस में से कितना आपको आता है ठीक है ना सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन भी दिया हुआ है ठीक है ना आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ठीक है ना कमेंट बॉक्स में लिखना है या पेन पेपर पर आप लिखिए ठीक है ना और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे आप चेक कर लीजिएगा क्या कि आपका कितना सही हुआ ठीक है ना यदि बीस में से आपका अठारह सही होता है यदि बीच में से आपका अठारह सही होता है तो मतलब इसका मतलब है कि आपका अच्छा तैयारी है और आपको बोर्ड में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है एट्टी एट्टी फाइव परसेंट मार्क्स आ सकता है आपको ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है क्या क्या उत्तर लेंस अवतल लेंस बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं टू रिमूव हाइपर मेट्रोपिया लेंस यूज कन्वैक्स कनकेब सिलेंड्रिकल नॉन इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल हो जाएगा ठीक है ना मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है जारी 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 पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट क्या होगा दोस्तों वन बाई सिक्सटी वन टेन वन बाई टू क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हम आपको बताना चाहते हैं इसका आंसर हो जाएगा वन मिनट हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि आपका हर क्वेश्चन बैंक में तो ये दिया हुआ ही है लेकिन बुक में भी एवीसी बुक में भी इसका वैल्यू दिया गया क्या वन मिनट दिया गया क्या दिया गया वन मिनट ठीक है ना चलिए अब देखते हैं आगे प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम हवा एयर शीशा ग्लास पानी वाटर निर्वात वैक्यूम किसमें होता है जल्दी से आप सोचिए फटाफट स्पीड में यदि आपने पढ़ा होगा जल्दी से स्पीड में आ गया होगा आंसर आपको आपके माइंड में आ गया होगा ठीक है ना ये होगा डी होगा इसका आंसर डी कार्बन प्रतिरोध का कलर कॉर्ड में लाल रंग का मान कितना होता है लाल रंग का मान द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज जीरो वन टू थ्री क्या होगा बताइए जल्दी स्पीड में बताइएगा कलर कोड किसका लाल रंग का ये होगा दोस्तों सी होगा एम ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता द रेसिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज स्मॉल लार्ज वेरी स्मॉल वेरी लार्ज मतलब कि स्मॉल मतलब छोटा लार्ज मतलब बड़ा ठीक है ना वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा क्या होगा इसका दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है बहुत छोटा वेरी स्मॉल चलिए दो समान धारिता के धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता कितना होगा टू कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसि कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इज टू सी 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 बाई टू वन बाई टू सी तो क्या होगा जल्दी से फटाफट स्पीड में सोचिए जल्दी से आंसर स्पीड में निकालिए ज्यादा टाइम मत लें ज़्यादा टाइम मत नहीं लीजिए ठीक है जल्दी से स्पीड में कीजिए काम क्या होगा इसका हो जाएगा आंसर टू सी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सात नंबर आवेशी संधारित पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के क्या होता है सम ऑफ चार्ज ऑन कोलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज माइक्रो जीरोम इनफनाइट तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों जीरो होगा क्या होगा जीरो आवेश का बीमा क्या होता है ए टी ए टी माइनस वन ए माइनस वन टी ए टी स्क्वायर क्या होगा डायमेंशन ऑफ चार्ज दोस्तों इसका हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है ना अब नौ नंबर देखेंगे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस विभाग करेंट मतलब धारा एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है ऊर्जा एनर्जी दस नंबर क्वेश्चन कहता है थोरियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है नंबर ऑफ क्या होगा नब्बे एक्स चालीस दो सौ तीस तीन सौ बीस न्यूट्रॉन का संख्या निकलता है दोस्तों ए माइनस जेड मतलब परमाणु द्रव्यमान और माइनस परमाणु संख्या परमाणु दरम्या दो सौ तीस है और माइनस हो जाएगा नब्बे कितना आएगा बताइए स्पीड में बताइए इसका एक सौ चालीस आएगा ठीक है ना आप ये देखिए दस में से क्या आपका दस सही हुआ है या दस में से आपका कितना हुआ आठ सही हुआ या दस में से नौ सही हुआ यदि इतना के बीच में आपका सही हो रहा है इसका मतलब है कि आपने अच्छे से तैयारी किया है ठीक है ना चलिए ग्यारह नंबर देखते हैं गामा किरणों की तरह होता है गामा रेज आर सिमिलर टू अल्फा किरणें बीटा किरणें कैथोड किरणें एक्स रे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा घसा गया है ठीक है ना थोड़ा सा यहाँ जगह कम था इसलिए तो गामा किरणें जो होता है वो एक, एक्स एक्स किरणों की तरह काम करता है कैथोड किरणें होती है क्या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोटोन कैथोड किरणें होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन होती है ठीक है ना अब तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है द लॉजिक गेट शो इन फिगर दोस्तों लॉजिक गेट जो फिगर दिखाया गया फिगर दे दिया गया है तो कौन फिगर है और है है एंड क्या होगा बोलिए इसका दोस्तों हो जाएगा एंड हो जाएगा क्या हो जाएगा एंड ठीक है ना एंड गेट है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों मेन गेट मतलब बेसिक गेट मतलब मूल गेट हिंदी में कहते हैं मून गेट मून गेट क्या कहलाता है मून गेट कितने प्रकार के होते हैं एंड नॉट और और नॉट एंड और नॉट क्या होगा बताइए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेन गेट बेसिक गेट हो जाएगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है ना दट नंबर ऑफ एमन नंबर सेवन कैन बी रिटर्न इन बाइनरी नंबर एज दोस्तों इसका निकालना बाइंड्री नंबर ट्वेंटी सेवन का बाइंड्री नंबर निकालना ठीक है ना ट्वेंटी सेवन का बाइंड्री नंबर आपको निकालना है इस तरह से तो आप निकाल के देख लीजिए तेरह दूनी छब्बीस हाथ में हुआ एक बच गया फिर तीन दूनी छः इस तरह से निकाल लीजिए आप फिर से फल एक इस तरह से निकाल लीजिए ठीक है ना आपको तो, तो निकालने आता ही होगा अब देखिए सोलना विच फ्रीकुन्सी रेंज इज यूज फॉर टी वी ट्रांसमिशन मतलब टी वी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास्त कितनी होती है तीस तीस हर्च से तीन सौ हर्ज तीस किलो हट से तीन सौ किलो हट तीस तीस मेगा हट से तीन सौ मेगाहट तीस गीगा गीगा हट से तीन सौ गीगा हट से तो क्या होगा इसका आंसर बताइए ये होगा दोस्तों सी होगा इसका आंसर ठीक है सी अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इसका आपको हम हिंदी बता रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है कोणीय संवेग कितना होता है एच बाय पाए एच बाय टू पाए एच टु एच, टु एच। दोस्तों जो है न, है 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 होता 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 वो होता, होता, ठीक है ना अब आगे चलते हैं नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ ओम टेस्ला इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है यूनिट होता, होता है चुंबकिया डायरेक्टेड फ्रॉम मतलब इसकी दिशा क्या होगी ठीक है ना मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों देखिए बताते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब बताए थे आपको क्या कि माइनस से क्या होता है प्लस की ओर होता है ठीक है माइनस से क्या होता है प्लस की ओर तो उसी तरह से हो जाएगा क्या माइनस को हम लोग कहते हैं साउथ बोलते हैं प्लस को बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं ठीक है अब बताइए इसका दिशा क्या हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्थ ईस्ट क्या होगा इसका दोस्तों ये हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा इसका डायरेक्शन अब आता है बीस नंबर ई एम एफ ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर ए मीटर गैलोमिनोमीटर पोटेंशियो मीटर क्या होगा मतलब क्या विद्युत किसी सेल के विद्युत वाहक बल आ, को मापा जाता है किसके द्वारा पोटेंशियो मीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों पोटेंशियो मीटर के द्वारा ठीक है ना तो आपने आपने चेक कर लिया होगा कि आपको बीस में से अठारह सही हो रहा है यदि हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं यदि बीस में से बीस सही हो रहा है इसका मतलब जीनियस है ठीक है ना और यदि पंद्रह ज़्यादा जा, सही हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप तैयारी किए हैं ठीक है थोड़ा कसर रह गया उसको भी आप ठीक कर सकते हैं लेकिन आपको फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है ना फर्स्ट करने से यदि आप ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं पंद्रह मेरा सा सही हो रहा है ठीक है ना चलिए आगे आगे तो है ही नहीं अब आगे नहीं है ठीक है ना इतना ही है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठीक है ना बस आप लगातार प्रयास करते रहिए